भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने टीम इंडिया के हेड कोच के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। हेड कोच के लिए जारी एडवर्टाइजमेंट में BCCI ने 9 शर्तें रखी हैं। ये शर्तें कहती हैं कि कोच को अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए, लेकिन साथ में हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट करना आना चाहिए। BCCI के इस क्लोज से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड टीम इंडिया के लिए कोई विदेशी कोच नहीं चाह रहा है। BCCI चाहता है कि कोच के दावेदार ने ICC के किसी भी अन्य सदस्य देश की क्रिकेट टीम प्रथम श्रेणी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक कोचिंग दी हो। BCCI ने अपने सर्कुलर में ये शर्त भी रखी है कि कैंडिडेट ने मेंबर कंट्रीज से सर्टिफिकेशन या असेसमेंट प्रोग्राम किया हो, उसके पास वैलिड सर्टिफिकेशन हो। फिलहाल टीम इंडिया के हेड कोच के पद की रेस में राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री आगे चल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के निदेशक रहे रवि शास्त्री अपने सहयोगी स्टाफ बांगड़, भरत अरुण और आर श्रीधर के साथ अगले कुछ दिनों में BCCI के कोचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करेंगे। गौरतलब है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 10 जून है।